बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुगर केन एग्रीकल्चर टिप्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो नई काश्त जो हुई है उसके हवाले से है। ये जी काश्त हुई है 1 मार्च 2022। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जी पहले यहाँ पे धान का फसल था, उसको रोटावेटर लगा के फिर इस पर हमने रोटावेटर चलाया, फिर उसके बाद हल दिया। हल देने के बाद इसको हमने दो चीज़ल लगाए, चीज़ल के बाद फिर हल लगाया, फिर इसके बाद लेज़र लेवलिंग की है। लेज़र लेवलिंग के बाद इस पर हमने दो हल चलाए हैं, दो हल चला के फिर हमने इस पर गोबर का छट्टा किया है। गोबर का छट्टा करके फिर हमने इसको दो हल दिए हैं, फिर हमने इस पर खिले निकाले हैं। खिले निकाल के हमने काश्त की है C75-400 की। अब इसको जब हमने पानी लगाया था उस वक्त 2 बोरी DAP, आधी बोरी पोटाश, इसके अलावा उसी पानी पे डबल कोल्ड फ्लड की थी। अब हम इसकी जर्मिनेशन चेक करते हैं। ये जी इसकी जर्मिनेशन हो रही है। इसको 10 दिन हो चुके हैं, आज के दिन तक अब हम इसको 2-3 दिन के बाद नेक्स्ट इरिगेशन करेंगे। ये चीज की ये सपोर्टिंग हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, यहाँ पे भी है। माशाल्लाह उगो ठीक हो रहा है। अब हम इसको 3-4 दिन के बाद पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद तकरीबन 8 दिन बाद इसको हम रंबर लगाएंगे, जिसको करा कहते हैं। करा लगाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 मंथ, 1 माह के बाद फिर इसको पानी लगाने पे। उस पानी पे हमने इसको 1 बैग यूरिया देना है।
क्योंकि जहाँ पे उगाव कम होगा वहाँ पे उगाव मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे फिर कि अगर वीड्स का प्रॉब्लम हुआ तो हम इस पे स्प्रे करेंगे, क्योंकि जब हम करा लगाएंगे, रबर लगाएंगे, तो उसमें से भी कुछ मैनेज हो जाएंगी, बाकी जो बच जाएंगी उसको हम गैंगवी से एट्राजिन प्लस मेसोट्राइन से हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम इस पे कोराजन का स्प्रे करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में इस पे कोई एप्लीकेशन नहीं की सिवाय डबल गोल्ड के। फिर हम इसको ड्रेंचिंग करेंगे। कोलाजन की ड्रेंचिंग बहुत अच्छा अमल है, जिससे बोरर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करें कि फैप्रोनिल दानेदार कीड़ा ना करें, उसको यूज़ ना करें। कोशिश करें कि कोरेजन का स्प्रे करें या उस पर ड्रेंचिंग करें, क्योंकि कोरेजन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, नई इनोवेशन है, यूज़ करना चाहिए दानेदार पे। क्योंकि कुवत मदाफियत अब ज़्यादा हो गई है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है बोरर में, तो इस हवाले से आपको मैं यही मशवरा दूंगा। कि आप कोशिश करें कोराजन ही इस्तेमाल करें। इस हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई मेरी इस वीडियो में कहीं पे कोई मिस्टेक्स है तो काइंडली बता दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।